मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुभद्रा शर्मा। टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अवर नेक्स्ट चैप्टर टीएम। चैप्टर नेम इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन स्टैंडर्ड फोर्थ। ओके, सो अवर लेसन नेम इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज कंपैरिजन। यू ऑल आर थिंकिंग अबाउट कंपैरिजन, ना कि मैं व्हाट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन, इसको हिंदी में बोलते हैं तुलना करना, एक दूसरे के साथ में कंपेयर करना। जैसे कि आप एग्जांपल दे रही हूँ आपको, आप अपनी मम्मा के साथ में शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हो और वहां पे मम्मा आपको भी न्यू ड्रेस परचेस कराती है ना, आपके ब्रदर को भी कराती है। वहां पे आप प्रॉपरली पसंद करके ले आते हो, लेकिन घर पे जब आते हो तो आपको क्या फील होता है कि भैया की जो ड्रेस है वो मेरे से बेटर है। यस और नो, उसकी ड्रेस मेरे से अच्छी है। तो ये आप क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो उसकी, भैया की ड्रेस और अपनी ड्रेस की क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। तो कंपेरिजन स्टार्ट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपेरिजन। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डिफाइन ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। द डिग्री ऑफ कंपेरिजन टेल अस वेदर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज ऑफरिंग ए कंपेरिजन। यानी कि ये जो डिग्री ऑफ कंपेरिजन है वो टेल अस, यानी कि बताता है वेदर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज ऑफरिंग, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब वो ऑफर करता है हमको क्या, एक कंपेरिजन, एक तुलना ऑफर करता है, तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपेरिजन। अंडरस्टूड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। कितने टाइप्स होते हैं, थ्री। डिग्री ऑफ कंपेरिजन के कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। सो लेट्स सी व्हिच वन। नंबर वन इज पॉजिटिव, सेकेंड कंपेरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। हाउ मेनी डिग्री ऑफ कंपेरिजन, थ्री। हाउ मेनी, थ्री। विच वन, नंबर वन इज पॉजिटिव, सेकेंड कंपेरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। थ्री हो गए, लर्न हो गए आपको कि हाउ मेनी डिग्री ऑफ कंपेरिजन देयर, देयर इज थ्री, पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव में क्या होता है, कंपेरेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव में क्या होता है, ये आपके माइंड में आ रहा है। तो फर्स्ट वी विल सी इन पॉजिटिव डिग्री। तो फॉर वन पर्सन और थिंग, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एक पर्सन या एक थिंग के बारे में बात होती है। अंडरस्टूड। सेकेंड है कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में क्या होता है, फॉर टू पर्सन एंड थिंग्स, कोई भी टू पर्सन और थिंग के बीच में कंपेरिजन होता है, यानी कि उन दो के बीच में तुलना होती है, वो कौन सा कहलाता है, कंपेरेटिव डिग्री। थर्ड वन सुपरलेटिव डिग्री। इसके नाम से पता चल रहा है, पहले आप कह लीजिए सुपर और लेटिव, एल ए टी आई वी ई लेटिव। सुपर किसके लिए, एस यू पी या सुपर, और लेटिव एल ए टी आई वी ई सुपर लेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है बेटा, फोर मोर देन टू पर्सन एंड थिंग्स, यानी सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन टू पर्सन, मोर देन टू पर्सन और थिंग के बीच में कंपेरिजन होता है, यानी कि दो पर्सन, टू यानी कि दो पर्सन से ज्यादा और टू पर्सन थिंग्स से ज्यादा के बीच में क्या होता है, कंपेरिजन होता है, वो कौन सा कहलाता है, सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको पॉजिटिव कंपेरिटिव एंड सुपरलेटिव थ्री टाइप्स होते हैं वो पता चल गया। अब हम स्लोली स्लोली वन बाय वन टॉपिक देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिविटी, विच बी पॉजिटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री। सो लेट्स सी डिफाइन ऑफ दिस पॉजिटिव डिग्री, यानी इस पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है। व्हेन वी वांट टू सिंपली डिस्क्राइब ए पर्सन और ए थिंग, व्हेन मीन जब वी, हम वांट टू सिंपली डिस्क्राइब, जब हम सिंपली, सिंपली मीन साधारण, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते मीन वर्णन करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, विस्तार से उसको डिस्क्राइब करते हैं। ए पर्सन, किसको डिस्टर्ब करते हैं, किसके बारे में बताते हैं, पर्सन के बारे में, और ए थिंग, और कोई थिंग के बारे में बताते हैं, विदाउट मेकिंग एनी कंपेरिजन, विदाउट, इसमें क्या लिखा है, विदाउट एनी कंपेरिजन, यानी कि इसमें कोई कंपेरिजन नहीं होता है, सिंपली हम उस पर्सन और थिंग के बारे में बताते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। बी यूज द पॉजिटिव डिग्री, तब हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। When we want to simply describe a person or a thing without making any comparison, we use the positive degree. इसमें simply हम
किसी पर्सन या थिंग के बारे में डिस्क्राइब करते हैं विदाउट मेकिंग एनी कंपेरिजन. हम सिर्फ उस पर्सन और थिंग के बारे में बताते हैं कि ये पर्सन ऐसा है एंड ये थिंग ऐसी है, उसके बारे में ही बताते हैं, उसके कोई कंपेरिजन करते नहीं. तो कौन सी डिग्री होगी, विच डिग्री इज दैट, दिस वन इज पॉजिटिव डिग्री. ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे. ओके, नाउ एग्जांपल्स, इससे आपको ज्यादा समझ आएगा. तो लेट्स सी, दिस इज एन ऑल पीस ऑफ पियानो. दिस इज एन ऑल पीस ऑफ पियानो. तो इसमें क्या हो रहा है कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि यह एक ओल्ड पीस है किसका, पियानो का. यह एक ओल्ड पीस है किसका, पियानो का. तो इसमें आपको सिंपली किसके बारे में बताया जा रहा है, पियानो के बारे में बताया है. किसके बारे में बताया जा रहा है, पियानो के बारे में बताया कि यह एक ओल्ड पीस है. इसमें एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड. तो यह एक ओल्ड पीस है पियानो का. इसमें कोई कंपेरिजन नहीं हुआ किसी के साथ, इसकी तुलना नहीं की है. सिर्फ हमको पियानो के बारे में बताया गया कि यह एक पुराना क्या है, पियानो है. विच डिग्री इज दिस, दिस वन इज पॉजिटिव डिग्री बिकॉज देर इज नो कंपेरिजन. बिकॉज इन दिस सेंटेंस देर इज नो कंपेरिजन, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं है किसी के साथ किसी की तुलना नहीं की गई, इसलिए ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है. अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड, देर इज ए स्मॉल टॉय शॉप इन माय लोकेलिटी. देर इज ए स्मॉल टॉय शॉप इन माय लोकेलिटी. लोकेलिटी यानी जहां पे मैं रहता हूँ, मेरे आस पास में एक ही स्मॉल टॉय शॉप है. स्मॉल, स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव. कैसी है, छोटी टॉय शॉप है. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे टॉय शॉप की कहीं किसी के साथ कंपेरिजन हो रहा है कि ये टॉय शॉप बड़ी है, ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे सिंपली हमको टॉय शॉप के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है, स्मॉल है. वो कैसी है, स्मॉल है. तो दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस. अंडरस्टूड. नाउ थर्ड नंबर, राम इज ए स्मार्ट बॉय. राम इज ए स्मार्ट बॉय. राम कैसा बॉय है, स्मार्ट बॉय है. राम कैसा बॉय है, स्मार्ट बॉय है. तो यहाँ पे बॉय नाउन है और स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है. हमको यहाँ पे सिर्फ राम के बारे में बताया गया है कि राम एक स्मार्ट बॉय है, उसका किसी के साथ कोई कंपेरिजन करवा नहीं है. इसलिए ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है और पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल. ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, सुहानी इज ए प्रिटी गर्ल. सुहानी इज ए प्रिटी गर्ल. सुहानी कैसी गर्ल है, प्रिटी गर्ल है. तो इसमें एडजेक्टिव क्या आ गया, प्रिटी. एडजेक्टिव क्या है, प्रिटी. प्रिटी क्या है, सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल. प्रिटी इज ए सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल का समानार्थी क्या होता है, प्रिटी. दोनों का मीनिंग क्या होता है, सुंदर. ओके, यहाँ पे सेंटेंस बोल रहे हैं कि सुहानी कैसी है, प्रिटी गर्ल है. तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया प्रिटी. बट इन दिस सेंटेंस देर इज नो कंपेरिजन. In this sentence there is no comparison. So this one is positive degree sentence. Okay. Now next five number. Elephant is a big animal. Elephant is a big animal. In this sentence adjective is big. Which type of animal is this? Big. कैसा animal है ये? Big animal है. इसलिए इसमें adjective क्या है? Big है. तो इसमें किसी भी एलिफेंट का किसी दूसरे एनिमल के साथ में कंपेरिजन नहीं किया है. यहाँ पे सिंपली हमको डिस्क्राइब किया है कि जस्ट एलिफेंट इज ए बिग एनिमल. एलिफेंट क्या है, एक बड़ा एनिमल है. ओके, सो दिस सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिग्री. नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, सुरभि इज ए लेजी गर्ल. सुरभि इज ए लेजी गर्ल. तो सुरभि इज नेम ऑफ गर्ल एंड इन दिस सेंटेंस विच इज एडजेक्टिव, लेजी. लेजी मीन आलसी. लेजी मीन आलसी, जिसको कोई काम करना अच्छा लगता नहीं. तो सुरभि कैसी है, एक लेजी गर्ल है. तो हियर एडजेक्टिव इज लेजी. इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, लेजी है. बट इन दिस सेंटेंस वी आर कंपेयरिंग सुरभि विच अनदर पर्सन, नो वी आर नॉट कंपेयरिंग. ना सुरभि का हम किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि सुरभि इज मोर यू नो लेजी देन अदर गर्ल, नो ना. हियर वी आर डिस्क्राइबिंग सिंपली अबाउट सुरभि. हम यहाँ पे सिंपली सुरभि के बारे में बता रहे हैं कि सुरभि इज ए लेजी गर्ल. सुरभि क्या है, लेजी गर्ल है. सो दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव
डिग्री, अंडरस्टूड, जिसमें सिंपली हमको उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, कोई भी पर्सन हो या थिंग हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। सेवन नंबर, माय स्कूल इज नियर टू पार्क। सेवन नंबर एग्जांपल इज माय स्कूल इज नियर टू पार्क। माय स्कूल यानी कि मेरी स्कूल नियर है, यानी पास में है, किसके, टू पार्क, पार्क के पास में है। सो इन दिस सेंटेंस नियर इज ए एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में नियर क्या है, एडजेक्टिव है, वो पास में है। एडवर्ब भी कर सकते हैं कि वो उसके पास में है। सो माय स्कूल इज नियर टू पार्क, मेरी स्कूल पार्क के पास में है, तो नियर क्या है, एडवर्ब। ओके, तो इस सेंटेंस में सिंपली हमको डिस्क्राइब किया है अबाउट माय स्कूल। इन दिस सेंटेंस ओनली वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट माय स्कूल। सिर्फ स्कूल के बारे में हमने बताया कि वो स्कूल कहाँ है, पार्क के पास में है, उसमें स्कूल का किसी दूसरे स्कूल के साथ में कोई कंपैरिजन किया नहीं है। सो वी कैन से दिस सेंटेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस, अंडरस्टूड। नाउ एट नंबर, दिस इज ए सॉफ्ट पिलो। दिस इज ए सॉफ्ट पिलो, यह एक सॉफ्ट पिलो है। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या है, एडजेक्टिव है, कैसा पिलो है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट यानी कि हमने जो हाथ में लेते हैं तो सॉफ्ट फीलिंग होती है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट, मुलायम। तो ये पिलो कैसा है, सॉफ्ट है। सो इन दिस सेंटेंस वी आर कंपेयरिंग दिस पिलो विद अनदर पिलो, नो वी आर नॉट कंपेयरिंग, सो वी कैन से दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस, अंडरस्टूड। नाउ नाइन नंबर, यू आर ए काइंड मैन। यू आर ए काइंड मैन, यहाँ पे मैन कैसा है, काइंड है, कैसा है, काइंड है। तो दिस वन काइंड इज ए एडजेक्टिव ऑफ दिस सेंटेंस। सो हियर वी आर ओनली टेलिंग अबाउट मैन कि दैट मैन इज काइंड मैन, दैट मैन इज काइंड, वो आदमी कैसा है, काइंड है। काइंड मीन दयालु है, जिसको दूसरे पे दया आती है। तो इसमें हम कोई कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं कि यह आदमी उस आदमी से ज्यादा काइंड है या उससे कम काइंड है। हियर वी आर नॉट कंपेयरिंग, सो दिस वन इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस, अंडरस्टूड। नाउ टेन नंबर, दिस इज ए शॉर्ट ड्रेस। दिस इज ए शॉर्ट ड्रेस, ये ड्रेस कैसी है, शॉर्ट है, छोटी है। तो यहाँ पे हमको जस्ट बताया है, डिस्क्राइब किया है ड्रेस के बारे में, ड्रेस छोटी है, उसका कोई कंपेरिजन नहीं है कि दिस ड्रेस इज मोर शॉर्टर देन दैट गर्ल, उस गर्ल के कपड़ों से ज्यादा इस लड़की के कपड़े छोटे हैं, या फिर ये भैया की ड्रेस ज्यादा उससे छोटी है, ऐसा कोई कंपेरिजन नहीं। यहाँ पे सिंपली हमने ड्रेस के बारे में बताया कि ड्रेस कैसी है, छोटी है, अंडरस्टूड। तो ये सब क्या हो गए, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। आपको समझ आ गया होगा कि किसको पॉजिटिव डिग्री करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट इन दिस वीडियो वी सी अबाउट डिग्री ऑफ कंपेरिजन। फर्स्ट वी सी डिफाइन ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। इसमें क्या बोलता है कि डिग्री ऑफ कंपेरिजन टेल अस, यानी कि हमको बताता है क्या, वेदर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज ऑफरिंग ए कंपेरिजन। वो सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है एंड किसी सेंटेंस में एडवर्ब होता है जो ऑफर करता है क्या, कंपेरिजन, जो ऑफर करता है कंपेरिजन, उसको क्या बोलते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। एंड एज यू ऑल नो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। हाउ मेनी, थ्री, हाउ मेनी, थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। नंबर वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपेरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। नंबर वन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसलिए आप सबको आती है, पी ओ एस आई टी आई वी, पॉजिटिव। देन कंपेरेटिव, सी ओ एम पी ए आर ए टी आई वी, कंपेरेटिव। थर्ड वन इज सुपरलेटिव, एस यू पी ई आर एल ए टी आई वी, सुपरलेटिव। एंड पॉजिटिव में क्या करते हैं, हम ओनली वन पर्सन और वन थिंग के बारे में बताते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। एंड इन कंपेरेटिव डिग्री देयर वी कंपेयर बिटवीन टू पर्सन और टू थिंग्स, कोई भी टू पर्सन या टू थिंग्स के बीच में हम कंपेयर करते हैं। एंड इन सुपरलेटिव डिग्री फोर मोर देन टू पर्सन एंड थिंग्स, मोर देन टू पर्सन, मोर देन यानी ज्यादा, टू पर्सन से ज्यादा के बीच में एंड टू
थिंग्स के ज्यादा यानी टू से ज्यादा जो थिंग्स होती है उनके बीच में जब हम कंपेरिजन करते हैं तो कौन सा आता है सुपरलेटिव डिग्री। ओके एंड पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या लिखा कि व्हेन वी वांट टू सिंपली डिस्क्राइब ए पर्सन और ए थिंग विदाउट मेकिंग एनी कंपेरिजन वी यूज द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में ओनली वी सिंपली डिस्क्राइब ए पर्सन सिंपली हम डिस्क्राइब करते हैं वर्णन करते हैं किसका ए पर्सन और ए थिंग कोई भी पर्सन कोई भी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी भी थिंग के बारे में विदाउट मेकिंग कंपेरिजन उसमें कोई कंपेरिजन करते नहीं हम सिंपली उस पर्सन और थिंग के बारे में बताते हैं उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स के बारे में आपको समझाती हूँ दिस वन इज ट्री दिस वन इज ऑल्सो ट्री एंड दिस वन इज ऑल्सो ट्री बट वी कैन से दिस वन इज ए बिग ट्री दिस ट्री इज बिगर देन दिस ट्री ये ट्री इस ट्री से क्या है बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे बिगर एंड दिस वन इज बिगेस्ट ट्री ये सबसे बड़ा है इन दोनों में से बड़ा है ना सो हियर दिस वन इज बिगेस्ट ट्री तो इसका क्या फॉर्म बनेगा बिग बिगर बिगेस्ट इसका फॉर्म क्या बनेगा बिग बिगर बिगेस्ट। ओके ऐसे और एग्जांपल के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंपेरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ाऊंगा। ओके सो यू हैव टू रीड एंड लर्न अबाउट दिस डिग्री पॉजिटिव डिग्री। थैंक यू।